सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बहस कार्य कर रहे हैं, हम वोट बहस कार्य इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव में सन 1987 और 86 में बैंक इलाहाबाद के नाम से खोली गई थी, जिसने 36-37 गांव की सेवा की और विगत 19 मार्च को यहां से वो शाखा स्थानांतरण होकर के गोरारी न्याय पंचायत में चली गई। हमारी ग्राम पंचायत की 9 ग्राम सभाएं थीं, बुढ़ा, बपरीता, सबुआ, कुशर्मा, अनघोरा, जरौली, चंदौली, कुड़ार, मल्लाए, जो कि बिल्कुल और बपरीता, ये बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। पहले ये उपभोक्ता चरखारी जाएंगे, चरखारी से फिर बैठ करके 15-20 किलोमीटर गोरारी जाएंगे। हमारी तहसील चरखारी में, हमारी मंडी चरखारी में, हमारे सारे न्यायालय चरखारी में हैं, सारे ऑफिस चरखारी में हैं, इन सबको उल्टा पड़ेगा। हम उपभोक्ताओं को बैंक वालों ने जानकारी भी नहीं दी और जैसे जानकारी हुई है हमारे गांव से एक प्रतिनिधिमंडल 8 मार्च को डीएम साहब के पास गया था। डीएम साहब ने एप्लीकेशन में इंडोज किया, हम लोगों ने मांगा कि सर इसकी एक कॉपी हमें दे दी जाए। डीएम साहब बोले आपको क्या करना, मैं भेज दूंगा। और 19 मार्च को बैंक यहाँ से पुलिस दल बल के साथ आई और हमें डरा डरा धमका करके, जबकि अधिसूचना जारी हो चुकी थी 10 मार्च को, ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि 19 मार्च को बैंक यहाँ से स्थानांतरण हुई है। आज जब अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं आचार संहिता, हम क्या कर सकते हैं, वो चली गई है। तो ये आचार संहिता सब जनता के ऊपर है, अधिकारियों को प्रशासन के ऊपर लागू नहीं होती हमें लगता है। और हमारी बात ना शासन सुन रहा ना प्रशासन सुन रहा है। अपनी बात सुनाने के लिए हमने ये बैंक नहीं तो वोट नहीं इस तर्ज पर इस चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बैंक का जाना, बैंक चली गई तो इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? हमको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, इस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं कि यहाँ जो बैंक थी उसमें एक सुविधा थी हम लोगों को कि अपना पैसा कभी भी जाके हम निकाल सकते थे। अब दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, वहाँ क्या सुविधा होती है नहीं होती है। और अभी प्रेजेंट में हाल ही गोरारी में गए हुए लोगों को भगाया भी गया है कि आपके पैसा नहीं निकलेगा, ऐसा लेके आओ, कई कागजों के लिए लौटाया जाता है, परेशान कर रहे हैं वो लोग, इसलिए हमको बैंक वापस चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाए।